हेलो एवरीवन, आज का हमारा प्लान 11 बाय 12 मीटर का है और जो हाउस की जो विड्थ है 11 मीटर है और जो लेंथ है 12 मीटर है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल को जरूर प्रेस कीजिए। अब हम बेडरूम ड्रॉ करेंगे। अब हम सेकंड बेडरूम ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमारा मास्टर बेडरूम है क्योंकि इसके साथ हमने अटैच बाथिंग रूम दिया है। नेक्स्ट हम बाथिंग रूम ड्रॉ करेंगे जिसका डोर हम हॉल में देंगे ताकि ऑल फैमिली मेंबर्स यूज कर सकें। अब हम पार्किंग एरिया ड्रॉ करेंगे। अब हम ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट बाथरूम। और नेक्स्ट अब हम किचन ड्रॉ करेंगे। और अब हम हॉल का एरिया ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारी बालकनी का एरिया है। अब हम लिविंग रूम को पार्टीशन में डिवाइड करेंगे। अब हम बेडरूम की विंडो लगाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बेडरूम की विंडो लगाएंगे। नेक्स्ट हम बाथिंग रूम में स्मॉल विंडो देंगे। इसके बाद हम किचन में विंडो ऐड करेंगे। इसके बाद हम सेकंड बाथरूम की विंडो ऐड करेंगे। अब हम हॉल में विंडो लगाएंगे। अब हम बेडरूम में डोर लगा रहे हैं। अब हम बाथरूम रूम का डोर ऐड करेंगे। और अब हम नेक्स्ट बेडरूम का डोर ऐड कर रहे हैं। और इसके बाद बैक साइड पर जाने के लिए डोर ऐड कर रहे हैं। अब हम सेकंड बाथरूम का डोर ऐड करेंगे। हमारा किचन ओपन है, इसमें हमने डोर नहीं दिया। घर में एंट्री का डोर लगाएंगे हम। और जो हमारा पार्किंग एरिया है फ्रंट साइड से ओपन है,
ताकि आसानी से हम अपने व्हीकल्स खड़े कर सकें। अगर आप इस प्लान को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक ऐड कर दिया है हमने। और अगर आप इस प्लान का 3D व्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड तक बने रहें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।